नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं दशरथ प्रधान। तो चलिए जानते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों को फटाफट। नीट पेपर लीक मामले में जांच को आगे बढ़ाने के लिए सीबीआई ने हजारीबाग से गिरफ्तार ओएसिस स्कूल के प्राचार्य एहसान उल हक और दो अन्य आरोपियों को देर रात पटना लेकर आई। प्रिंसिपल के साथ वाइस प्रिंसिपल इम्तिहास और जमालुद्दीन भी साथ में पटना लाए गए हैं। तीनों आरोपियों को शनिवार को सीबीआई के विशेष अदालत में पेश कर रिमांड पर लेने की मांग सीबीआई अदालत से करेगी। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच आज T20 वर्ल्ड कप 2024 का ग्रैंड फिनाले खेला जाएगा। फाइनल मैच में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच कड़ा मुकाबला होने वाला है। दोनों टीमें अपनी तैयारी में जुटे हैं। भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने अपने खिलाड़ियों को जीत का मंत्र दिया है और उन्हें प्रेरित किया है। दूसरी ओर दक्षिण अफ्रीका की टीम ने भी अब तक शानदार प्रदर्शन किया है और वे भी पूरी तरह से इस किताबी मुकाबला के लिए तैयार हैं। स्थानीय मौसम विभाग ने मैच के दौरान बारिश की संभावना जताई है, लेकिन चिंता की बात नहीं है। आईसीसी ने इस महामुकाबले के लिए रिजर्व डे का प्रावधान किया है। ईवीएम की वजह से 2 लाख पेड़ कटने से बच गए, ये बात पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कही है। उन्होंने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि ईवीएम ने केवल विपक्ष की पोल ही नहीं खोली बल्कि पेड़ों को काटने से भी बचाया। पर्यावरण मंत्री की ओर से तर्क दिया गया कि बैलेट पेपर को तैयार करने के लिए पेड़ों की कटाई की जाती है, लेकिन ईवीएम से चुनाव संपन्न करवाया गया जिस वजह से 2 लाख पेड़ कटने से बच गए। दिल्ली में शुक्रवार को मॉनसून के पहले दिन लगातार 3 घंटे तक बारिश हुई। पिछले 88 सालों में इस महीने हुई ये सबसे अधिक बारिश है। बारिश से जुड़े हादसों में राष्ट्रीय राजधानी में 6 लोगों की मौत हो गई। वसंत विहार में निर्माणाधीन इमारत के गड्ढे में गिरे 3 मजदूर में से एक का शव एनडीआरएफ की टीम द्वारा बाहर निकाला गया, जबकि अन्य 2 मजदूरों के लिए तलाश एवं बचाव अभियान जारी है। 30 जून को हुल दिवस है। हेमंत सोरेन अब जेल से बाहर आ चुके हैं। वो 30 जून को भोगनाडी जाएंगे, वहां से उलगुलान की शुरुआत करेंगे। झामुमो के साथ साथ इंडिया गठबंधन को भी राज्य में नेतृत्व देते हुए हेमंत एक नए अवतार में नजर आएंगे। मोदी सरकार 3.0 में देश को नया विदेश सचिव मिल गया है। भारत सरकार के कार्मिक विभाग ने विज्ञप्ति जारी कर डिप्टी एनएसए विक्रम मिस्त्री को भारत का अगला विदेश सचिव बनाने का ऐलान किया है। कार्मिक मंत्रालय ने बताया कि 15 जुलाई से विक्रम मिस्त्री देश के विदेश सचिव का पदभार ग्रहण करेंगे। दिल्ली हवाई अड्डे के टर्मिनल 1 पर बड़ा हादसा हुआ है। यहां छत गिरने से 4 लोग घायल हो गए। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 की छत गिर गई, जिसकी चपेट में कई गाड़ियां आ गई। बताया जा रहा है कि इनमें बैठे 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि एक शख्स फंस गया। पुलिस ने बताया कि छत गिरने की घटना में घायल हुए व्यक्ति की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू केंजरापू ने टर्मिनल 1 का दौरा किया। नायडू ने कहा कि मृतकों के लिए 20 लाख रुपए और घायलों के लिए 3 लाख रुपए की मुआवजा की घोषणा की गई है।